हेलो एवरीवन, आज दिन में जब मैं लाइव आई थी और इतने दिनों से भी मेरे पास कुछ डिमांड आ रहे हैं आप सभी की तरफ से कि आप सभी को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, रेटेड पोर्टल की और मून अभी जो निकला है फुल मून उसकी ब्लेसिंग्स और DMDF की एनर्जी प्लस थर्ड पार्टी के लिए DM की क्या एनर्जी है और वो कब तक जाएंगे, इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो के। तो आप सभी के डिमांड पर और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के बेस पर जो मुझे आज फील हुआ, मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को खुद भी देखें और आगे भी शेयर करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा पर कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पूरा जानना है सारी चीज़ों को डिटेल में और आप लोगों को भी मुझे सेटिस्फाई करना है, तो वीडियो तो लंबा जाएगा बट इट्स ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं ब्रेसलेट्स भी देती हूँ और अगर आप लोगों को हीलिंग के लिए ब्रेसलेट्स की ज़रूरत है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से, बट बहुत लोग मांगते हैं मुझसे कि भी आप ब्रेसलेट्स देते हो हीलिंग के लिए, तो मैं देती हूँ। मैं लॉकेट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो जो आपको कंफर्टेबल हो मैं चार्ज करके दोनों आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक ये था मुझे आप लोगों को शेयर करना था। बाकी अब मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँ तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति या जिस भी गॉड को आप मानते हैं ज़रूर से क्लेम करने के लिए लिखें, ताकि भगवान को भी लगे कि उन्होंने जो आज मुझे इंट्यूशन दिया है वो आप लोगों तक पहुँच रहा है, ठीक है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइट साइड पे आपके DM की एनर्जी और लेफ्ट साइड पे हम DF की एनर्जी लेंगे। करंटली मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो भी DF इसको देख रही हैं, उनकी एनर्जी लेफ्ट साइड पे और जो उनके DM हैं उनकी एनर्जी राइट साइड पे। और अगर आप मेल हैं तो आप अपोजिट कर लें, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं राइट साइड पे DM की एनर्जी क्या चल रही है और लेफ्ट साइड पे DF की एनर्जी क्या चल रही है। राइट करिए यूनिवर्स, राइट साइड पे करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या चल रही है और लेफ्ट साइड पे मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स अपने पार्टनर्स के लिए क्या चल रही है। राइट करिए यूनिवर्स, राइट साइड पे DM की एनर्जी क्या चल रही है और लेफ्ट साइड पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या चल रही है और राइट साइड पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या चल रही है। ओके, तो हम देखेंगे राइट साइड पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या चल रही है और लेफ्ट साइड पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या चल रही है। पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं कि राइट साइड पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है और लेफ्ट साइड पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्या है। तो पहले ही मैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लूँगी कि आप लोग क्या सोच रही हैं अभी, अगर आप फीमेल्स हैं, ठीक है। तो फीमेल्स की क्या एनर्जी चल रही है, फेमिनाइन एनर्जी हम देखते हैं लेफ्ट साइड पे। कई बार मेल्स के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो जो लड़के देख रहे हैं हो सकता है वो इमोशनल हो, तो उनके लिए फेमिनाइन एनर्जी मैच करेगी क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड पे डिवाइन फेमिनाइन क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर जो कलेक्टिव आएगा मैं वही आप सबको बताऊंगी और ऑलमोस्ट कलेक्टिव रीडिंग भी 90% मैच करती है, जो चीज़ आपसे मैच ना हो उसको आप जाने। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन के साथ मैच ना करें। देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 6 कार्ड्स लिए हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। आई थिंक ये 7 है, ओके 7 कार्ड्स आ गए हैं तो हम 7 ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यूनिवर्स अगर आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, तो उसको लें। मुझे लग रहा है यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन थोड़ी सी लो एनर्जी में है, परेशान है, तो कलेक्टिवली जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी लो लग रही है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
इतना मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में है कि मुझे बस डीएम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इस एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलो और अपने ऊपर काम करने की कोशिश करो। दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने डीएम को पकड़ के रखा होगा, तो जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं उसका, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं, वेट करते हैं, तो उस यूनियन में उतना ही टाइम लगता है। तो मेरा ये मानना है कि इतना पोजेसिव होना डीएम डीएफ के लिए ठीक नहीं है, थोड़ा सा और भी चीज़ों पे अपने आप को डाइवर्ट करो। अगेन मैं वही कहूँगी, इतना वेटिंग पीरियड आपका बढ़ जाएगा जितना आप उस चीज़ को ज़्यादा वेट करो, ठीक है। कम्युनिकेशन कई डीएफ की या तो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से हो रही है या फिर वो करना चाहती है, ठीक है। यहाँ पर मुझे कलेक्टिवली थर्ड पार्टी के एंड होने की एनर्जी आ रही है, तो डोंट वरी, यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी कार्ड है और साथ में चौवर आया है, तो डोंट वरी, जल्दी से जल्दी आप भी इस एनर्जी को क्लेम करें। थर्ड पार्टी के साथ चौवर है तो ये ख़त्म होने ही वाली है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन है, या तो ख़त्म हो चुकी है कई केसेस में और आप लोग, या तो हो जाए, ठीक है। कई डीएफ जो है वो डिवाइन से प्रे कर रही हैं कि थर्ड पार्टी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, तो डिवाइन उनकी सुन रहे हैं, ठीक है। प्लस आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कई, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम्स एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी कलेक्टिवली मुझे देखेंगे तो वो ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। तो वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से जो डीएफ है वो यूनियन चाह रही है और बहुत प्यार करती है, जो मुझे एनर्जी आई है। ये थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ बैलेंस, इसका मतलब आप लोग बातचीत करना चाहते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, ठीक है, जो मुझे गेट हो रहा है, तो बातचीत करना चाहते हैं। और कई लोग यहाँ पे मुझे नो कांटेक्ट में भी दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग या तो यूनियन में हैं या यूनियन उनका होने वाला है, ऐसा वो प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स भी सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये थी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। अब हम ले लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कि वो क्या सोच रहे हैं, जिसके लिए आप लोग कलेक्टिवली वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन क्या सोच रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन की। यहाँ पे भी मैं 7 कार्ड्स लूँगी। देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन में आप लोगों के लिए कलेक्टिवली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स कोई रोमांटिक प्रपोजल लाना चाहते हैं, इमोशंस बहुत हैं उनके अंदर, ठीक है। दो दो इमोशंस के कार्ड आए हैं, कोई कप लेके आपको ऑफर करना चाहते हैं, इमोशनल है। डिवाइन फेमिनाइन को कलेक्टिवली जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, ठीक है, और वो भी आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं बहुत जल्दी। उनका भी बहुत मन है कि आप उनका गोल्ड हैं और आपके साथ आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, आप ही उनकी दुनिया, ठीक है। वेटिंग पीरियड है, वो भी इस पीरियड में खुश नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, अपने हार्डवर्क का वेट कर रहे हैं। प्लस बॉटम ऑफ द डेक भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर यूनिवर्स जैसे आपको कुछ ऑफर कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको भी कुछ और अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पीछे जो कप्स खड़े हैं वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, और जो कप्स गिरे हुए हैं उनका ध्यान उसी तरफ है, यानी अगर आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है तो वो आप ही की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, पीछे उनका भी ध्यान नहीं है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट लग रही है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने सेल्फ वर्क, इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, तो इससे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और आप इसको कंटिन्यू रखें, अपनी एनर्जी को लो ना करें। अगर आप लो करेंगे तो सेकंड साइड भी वही इफेक्ट जाएगा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पर, वो भी लो हो जाएगा और आते आते आपकी तरफ और लेट होगा। प्लस वो बहुत स्लो एनर्जी में है अभी, अगर आपको उनको स्पीड करना है, जल्दी आपकी तरफ बुलाना है, तो अच्छे से मैनिफेस्ट करें और अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्स बताएं जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है
उनकी एनर्जी अगर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा वेट करें, चेक करते हैं हम कलेक्टिवली कि जो भी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वैसे मैं थर्ड पार्टी रीडिंग्स कम देती हूँ क्योंकि आप थर्ड पार्टी को जितना कम मैनिफेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ठीक है, कभी कभी रीडिंग ले लेना चाहिए खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए भी। और थर्ड पार्टी का ज़्यादा लंबा रोल होता नहीं है, वो एक कार्मिक कनेक्शन में आती है, जैसे आती है वैसे चली भी जाती है। तो आप लोग उसके तो अब हम चेक कर रहे थे कि क्या एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की। जो भी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी है यूनिवर्स गाइड करें उसके लिए डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। और अगर कोई डीएफ है और वो दूसरी साइड से थर्ड पार्टी है, मतलब अल्टीमेटली जो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को मेरे व्यू, उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रही है, थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए उनके पार्टनर की कलेक्टिवली क्या एनर्जी चल रही है। कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए उनके पार्टनर्स की क्या एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। देखिए, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी में गए हैं तो उसका मोस्टली जो रीज़न है वो है पैसा। ठीक है, अल्टीमेटली रीज़न है पैसा। और दूसरा कलेक्टिवली जो यहाँ पे मुझे कैच हो रहा है, ठीक है, बाकी अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं, उसमें आपको ज़्यादा गाइडेंस मिलती है। और मैं 90% कोशिश करती हूँ कि कलेक्टिवली आपको कैच कर पाए। दूसरी बात, वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो खुश तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है, मैं आपको बता दूँ। और आपको मैं ये भी दिखा दूँ कि टॉवर की एनर्जी है वो वहाँ पे सब ख़त्म करना चाहते हैं, खुश नहीं है। अल्टीमेटली वो फैमिली चाहते हैं अपने उसी पार्टनर के साथ, पास्ट पार्टनर के साथ जिसको वो छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए और वो आपको वापस ऑफर करना चाहते हैं। अल्टीमेटली बॉटम ऑफ द डेक भी थर्ड पार्टी से निकलकर अपने सोलमेट के पास आने की एनर्जी है। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर्स अल्टीमेटली खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। पैसा एक मेन रीज़न है उनको साथ में जोड़े रखने का। और जिस रिश्ते की नींव फाउंडेशन कार्मिक है, पैसा है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। ठीक है, तो ये तो हो गई थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी। अब हम चेक करते हैं कि 88 टोटल आपके रिश्ते में क्या ब्लेसिंग ला रहा है। चलिए अब हम आगे ये चेक करते हैं कि ये जो 88 टोटल है वो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग ला रहा है। या फिर हम ये चेक करते हैं कि इस 88 टोटल में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी पार्टनर्स हैं उनके साथ क्या ब्लेसिंग ला रहा है। देखते हैं ये जो 88 टोटल है आने वाला, ये मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता है उसमें क्या ब्लेसिंग देने वाला है। गाइड करिए यूनिवर्स इस 88 पोर्टल से मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स के बीच। मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, देखिए ये जो 88 पोर्टल है कलेक्टिवली आपके लिए यूनियन सेलिब्रेशन खुशियाँ लेके आया है, पर इसका इफेक्ट इमिजिएटली नहीं दिखता, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी। ठीक है, आपके लिए कोई ना कोई पैसों से भी, करियर से भी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आपकी लाइफ में तो उसे मिस ना करें क्योंकि 88 पोर्टल की ब्लेसिंग है।
आपकी लाइफ में और आपके रिश्ते में, मैंने रिश्ते के लिए निकाला है, तो बैलेंस आने की एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पर आ गई। टेम्पल्स, आप अपने पार्टनर से यूनाइट हो सकते हैं इस 18 पोर्टल की जो ब्लेसिंग आ रही है। प्लस आपको आशा रखनी है, अपनी एनर्जी को लो नहीं करना, अच्छा मैनिफेस्ट करें, होप रखें आपकी फैमिली आपके पार्टनर से भी ज़रूर करें, ठीक है। प्लस मैं आपको बता दूँ, बॉटम ऑफ द डेक भी न्यू शुरुआत, नया एक्शन, ठीक है, इसके लिए कार्ड आया है, एस का कार्ड है, ये खुशियाँ दर्शाता है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है, ठीक है। तो इसकी भी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। तो दो तीन टॉपिक्स हमने कवर किए, डीएम और डीएफ की एनर्जी, थर्ड पार्टी के लिए आपके डीएम की एनर्जी, प्लस हमने कवर कर लिया है 88 पोर्टल की ब्लेसिंग। अब हमें एक और लास्ट क्वेश्चन कवर करना है जो आप लोगों ने डिमांड किया था, फुल मून का क्या इफेक्ट हुआ है आपके रिश्ते पर या आपके पार्टनर के इमोशंस पर। तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि ये फुल मून जो अभी निकला है, इसने मेरे व्यूअर्स पर और उनके पार्टनर्स पर क्या इफेक्ट हुआ है, देखते हैं। राइट साइड पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पर फुल मून का क्या इफेक्ट हुआ है, लेफ्ट और लेफ्ट साइड पर हम चेक करेंगे मेरे व्यूअर्स के ऊपर उनके इमोशंस पर। मून तो आएंगे ही आएंगे, ये बार बार आ रहे हैं क्योंकि फुल मून निकला है, ठीक है, इनको आना ही होता है क्योंकि जब मून निकलता है तो ये ज़रूर आते हैं और ये बार बार मुझे दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि राइट साइड पर फुल मून का क्या इफेक्ट हुआ है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इमोशंस पर और लेफ्ट साइड पर मेरे व्यूअर्स के ऊपर क्या इमोशंस क्या इफेक्ट हुआ है फुल मून। तो देखते हैं राइट साइड पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पर क्या इफेक्ट हुआ है फुल मून का और लेफ्ट साइड पर मेरे व्यूअर्स पर क्या इफेक्ट हुआ है फुल मून का। तो पहले मैं व्यूअर्स की एनर्जी चेक करती हूँ। देखिए ज़्यादातर देखिए जो मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए समझ में आया, आप लोग बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं, अपने पार्टनर्स को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन होने की एनर्जी है। इतना डाउन रहने की ज़रूरत नहीं है, फुल मून इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको स्टक फील करवा रहा है, ठीक है। कलेक्टिवली जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो स्टक फील कर रहे हैं फुल मून, उनको लग रहा है कि हमारे रिलेशन पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ एक आधे यहाँ पर गिने चुने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके पार्टनर उनकी तरफ जल्दी आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जो डाउन जा रहे हैं उनकी यूनियन पे टाइम लग सकता है, अगर आपको अपना यूनियन अपना कंप्लीशन जल्दी चाहिए, ठीक है, तो आपको अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी होंगी। अभी आपको देखना है आपने फुल मून को नेगेटिव निकाला है या पॉजिटिव मैनिफेस्ट किया था। जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था स्पिरिचुअली, आपने जो भी किया था वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। प्लस आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हुए हैं फुल मून के दिन, ये मैं देख पा रही हूँ, आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करी हैं, भगवान को बहुत मनाया। अब अगर आपने पॉजिटिव फेंका है तो पॉजिटिव ही आउटकम आएगा, और अगर आप थोड़ा भी नेगेटिव हुए तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आपके सामने आएगा। तो ये मैंने व्यूअर्स की एनर्जी देखी। अब जो आपका फेवरेट टॉपिक है, आपके पार्टनर्स क्या सोच रहे थे फुल मून, हम वो चेक कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जी रही है फुल मून। दो तीन गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों को खुश होना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बोला ऐसा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पार्टनर यहाँ पे मैरिड हैं, ठीक है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, कहीं नीचे कमेंट करना आप स्टार्ट कर दें कि मैम हम तो सिंगल हैं, हमारे पार्टनर भी सिंगल हैं। कलेक्टिव होता है, जितना रेजोनेट हो उतना लिख, तभी मैं कहती हूँ पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा गाइडेंस मिलती है क्योंकि यहाँ कलेक्टिव एनर्जी क्या है। देखिए बाकी मैंने गुड न्यूज़ इसलिए बोली क्योंकि आपके पार्टनर अगर मैरिड हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, वो खुश नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन का कार्ड है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और अगर मैरिड नहीं है, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड या रोमांटिक किसी पार्टनर के साथ है, तो वहाँ से निकलना चाहते हैं,
ये फुल मून के दिन उनकी विश थी कि मैं यहाँ से निकलूँ और अपने पास्ट पर्सन के पास रिटर्न जाऊँ। पहले भी यही आया था, अभी मैंने करंट एनर्जी चेक की थी और फिर फुल मून भी यही बता रहा था, ठीक है, जो ब्लेसिंग आई है। नई शुरुआत उनके मन में करने की बहुत इच्छा है, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है ये कार्ड। वो किसी अपने पुराने पास्ट पर्सन के साथ वापस मूव ऑन करके न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं, प्लस वो चाहते हैं कि वो जहाँ भी फंसे हैं एक ही सर्कल में बार बार घूम रहे हैं जिस भी इंसान के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ पे वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। प्लस वो अपने पार्टनर के साथ प्रे कर रहे हैं कि देखिए बातचीत करने के लिए अगर आपके साथ नो कर पाए तो आपको इस वीडियो को ज़रूर क्लेम करना है, ठीक है, और कमेंट में। तो ये मैंने आपकी विशेष सारी पूरी करी, आपने जैसे जैसे वीडियो मांगा था मैंने वैसे वैसे इसको पूरा किया। अब आप लोगों का काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेने के लिए दूसरों की भी शेयर करें, ठीक है। प्लस एक और सरप्राइज़ है, अगर आप लोग इसमें मुझे अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और इस वीडियोज़ के व्यूज़ मुझे लगता है कि सब तक पहुँचे हैं और मेरा हार्डवर्क रिज़ल्ट दे रहा है, तब मैं आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी और गार्डनिंग जर्नी, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड वीडियो भी जल्दी ही डालूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे इस वीडियो पर रिज़ल्ट देना होगा। नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखिए, ठीक है। प्लस अपने पार्टनर्स के लिए अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करिए और पॉजिटिव रहिए और डाउन एनर्जी से जो भी लोग हैं वो बाहर निकलें। तो अगर आप लोग दूसरी वीडियो भी चाहते हैं और हीलिंग्स की वीडियो भी चाहते हैं ऐसे, तो इस वीडियो को इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, एफबी पे, जहाँ पे भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेने के लिए लोगों की शेयर करें, ताकि आपकी की तरह कोई और परेशान हो तो उसको भी हीलिंग हो, ठीक है। और मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपके रिजल्ट्स पे मैं जल्दी लौटूंगी। थैंक यू सो मच, बाय।